जय हिंद, जय भारत। स्वागत है दोस्तों, जेपी ग्रुप की ओर से वैकेंसी निकली है। जेपी ग्रुप रियल इस्टेट में काम करता है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में, हेल्थ केयर में, सीमेंट, एक्सप्रेसवे, उसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर और हॉस्पिटल्स हैं इसकी, स्पोर्ट्स में, हर जगह जेपी ग्रुप का नाम है और इनकी ओर से वैकेंसी निकाली गई है। इसमें आकर्षक पेमेंट के अलावा और भी फैसिलिटीज़ दी जाती है और यहाँ पे वैकेंसीज काफ़ी रखी गई है। साथियों, पूरी जानकारी इस वीडियो में दी जाएगी। चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दें, नीचे लाल सब्सक्राइब का बटन है, बगल में छोटी घंटी, दोनों को प्रेस कर दें, जिससे आने वाली छोटी बड़ी खबर आपको आपके मोबाइल पर मिल जाएगी। तो यहाँ पे जो भी वैकेंसी है, इसके लिए कोई भी टेस्ट नहीं देना होगा और जो भी पैरामिलिट्री फोर्स के हैं, भूतपूर्व सैनिक हैं, सभी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। कोई भी एग्ज़ाम यहाँ पर नहीं होने वाला है। तो यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे, जेपी ग्रुप को आवश्यकता है वॉक इन इंटरव्यू के आधार पर, यानी कि सिर्फ एक इंटरव्यू टाइप का होगा। जेपी ग्रुप एक बहुआयामी औद्योगिक संगठन है, जिसमें विभिन्न कार्यस्थलों पर मैन, मटेरियल और इंस्पेक्टर्स की सुरक्षा के लिए सेना के पूर्व सैनिकों, अर्धसैनिक जवानों यानी एक्सिस मैन को तैनात किया है। उन्होंने उनकी तैनाती करते हैं। इस सुरक्षा सेवा को मजबूत प्रदान करने हेतु कंपनी को कुछ और पूर्व सैनिकों, अर्धसैनिक जवानों की आवश्यकता है, एक्सिस मैन की आवश्यकता है। भर्ती में ऐसे जवानों को वरीयता दी जाएगी जिनके पास संपूर्ण भारत का जो है मान्य राइफल गन लाइसेंस है तथा जो निम्नलिखित मापदंडों को पूरा करते हैं। ऐसे कोई ज़रूरी नहीं है कि आपके पास स्टेट का लाइसेंस है तो आपको जो है नहीं लिया जाएगा, लेकिन वरीयता दी जाएगी। यदि ज़्यादा लोग आते हैं तो उनको थोड़ा बहुत वरीयता दी जा सकती है। यदि माना 100 वैकेंसीज है ऑल इंडिया, जिनके पास लाइसेंस है वो 10 आदमी हैं, तो बाकी कहाँ से पूरा करेंगे, उनसे ही पूरा करेंगे। तो यहाँ पे दोस्तों क्या क्या इनकी आवश्यकता है कि अभ्यर्थी 5 साल से पहले का सेवार्थी नहीं होना चाहिए। अभ्यर्थी स्थिर मोबाइल सुरक्षा ड्यूटी के लिए सारे रूप से फिट होना चाहिए और डिस्चार्ज बुक के अनुसार चरित्र एग्जाम्पली और मेडिकल कैटेगरी सेफ 1 अनिवार्य रखा गया है। तो यदि आपका एग्जाम्पली नहीं भी है तो आप एक बार कांटेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि एग्जाम्पली वाले यदि पूरे नहीं हैं तो उनको जितने रिक्वायरमेंट है वो लेना ही है भूतपूर्व सैनिकों को। जो अभ्यर्थी उपरोक्त मापदंड पूरा करते हैं कंपनी में कार्य करने के इच्छुक हैं, वही दिनांक 27/9/2022 यानी 27 सितंबर 9 बजे साक्षात्कार हेतु निम्नलिखित पते पर उपस्थित हो सकते हैं। साथियों, सिक्योरिटी गेट हाउस, नर्मदा द्वार, जेपी रीवा प्लांट, पोस्ट जेपी नगर, डिस्ट्रिक्ट रीवा 486450 और मोबाइल नंबर साथियों यहां पे दिया गया है दोस्तों 07662 कोड है, 229601229609 ये मोबाइल नंबर यहाँ पे रखे गए हैं, तो इन पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। क्या क्या डॉक्यूमेंट आपके लिए ज़रूर रखे गए हैं, जिसमें अभ्यर्थी डिस्चार्ज बुक की मूल छाया प्रति आपके साथ लानी होगी, बायोडाटा, फोटोग्राफ्स और अन्य प्रमाण पत्र आपको लाने होंगे, संपूर्ण भारत में मान्य राइफल गन लाइन जिनका लाइसेंस है या मूल प्रमाण पत्रों के साथ छाया प्रति अवश्य लाएं, ड्यूटी ज्वाइन करने पर कंपनी के मौजूदा कार्यस्थल पर बैचलर आवास और सब्सिडी युक्त मेस सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। तो दोस्तों ये भी फैसिलिटी यहाँ पे है कि ड्यूटी ज्वाइन करने पर कंपनी के मौजूदा कार्यस्थल पर जहाँ पे आप काम कर रहे हैं वहाँ पर सिंगल जो आवास हैं वो आपको दिए जाएंगे और सब्सिडी युक्त मेस आपको उपलब्ध कराया जाएगा। तो पूरे भारत से जो भी लोग हैं इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं जिनको नौकरी की आवश्यकता है। पेमेंट के लिए आप जो टेलीफोन नंबर्स हैं उन पर पूछ सकते हैं, इसमें डिटेल्स नहीं दी गई है। तो साथियों ये थी वैकेंसीज, आज के लिए इतना ही। ऐसी जानकारी के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।